तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आई होप आप प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछता है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो कह रहा है कि सपोज पी इज़ ए प्रोपोजिशन डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव इंटीजर एन, एंड सपोज पी हैज़ द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। हमें क्या करना है, पी को मान लेना है कि ये क्या है, प्रोपोजिशन डिफाइंड है किसमें, पॉजिटिव इंटीजर एन पर, और साथ ही साथ दो प्रॉपर्टी इसमें होगा। नंबर ए प्रॉपर्टी है पी ऑफ वन इज ट्रू, एंड नंबर बी है आपका पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। वेन वेरिएबल पी ऑफ के इज ट्रू, देन पी इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो ये बेसिकली आपका जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल का क्वेश्चन कह रहा है कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट एन इंटू एन स्क्वायर प्लस फाइव इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ सिक्स फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो वही कॉन्सेप्ट होता है कि जो गिवन इक्वेशन दिया रहेगा उसे हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। तो पी ऑफ एन क्या हो जाएगा आपका, एन इंटू एन स्क्वायर प्लस फाइव हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर वन, वन पुट करके देखेंगे। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे वन पुट करेंगे तो आपका सिक्स आ जाएगा, जो कि सिक्स आपका डिवाइडेड है किससे, विच इज़ डिवाइडेड बाई सिक्स, सिक्स से डिवाइडेड है। ओके, तो पी ऑफ वन क्या होगा आपका, ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे पी ऑफ के इज़ ट्रू, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ के था वहाँ पे, जहाँ जहाँ एन था वहाँ पे हम लोग के पुट करेंगे। तो के इंटू के स्क्वायर प्लस फाइव इज़ डिवाइडेड बाई सिक्स, देन के इंटू के स्क्वायर प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स इंटू आर। आर कोई आपका इंटीजर हो सकता है, फॉर सम इंटीजर आर। ओके, और इसके बाद बेसिकली हम उसे सॉल्व करेंगे, तो हम पाएंगे के प्लस वन इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फाइव, एंड के प्लस वन यहाँ से कॉमन आप अगर हम निकाल लेते हैं या और इसको सॉल्व करते हैं, तो के स्क्वायर प्लस फाइव प्लस वन प्लस टू के, देन इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आपका आएगा। और इक्वेशन को आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म आएगा, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका सिक्स आर हमने जिसके लिए माना था, तो ये इन पूरे टर्म के लिए सिक्स आर लिख देंगे, प्लस थ्री इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस टू, विच इज़ ऑल्सो इंटीजर मल्टीपल ऑफ सिक्स। ओके, दस आपका जो के इंटू के स्क्वायर प्लस फाइव प्लस थ्री इंटू के स्क्वायर प्लस टू इज़ डिवाइडेड बाई सिक्स, दैट पी ऑफ के प्लस वन इज़ ट्रू। ओके, तो पी ऑफ के प्लस वन को भी हम लोगों ने चेक कर लिया, पी ऑफ वन को भी चेक कर लिया, तो दोनों आपका ट्रू आ रहा है। तो जो आपका फंक्शन होगा वो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर को। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रूव दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन दैट पी ऑफ एन इज इक्वल टू वन स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू। तो इसे हम लोग देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड, जो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन पुट कर देंगे। तो ये आपका जो फॉर्मूला बेसिकली बनता है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे वन पुट करेंगे तो ये आपका सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स आएगा, जो कि आपका वन आएगा। तो पी ऑफ वन आपका ट्रू हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे पी ऑफ के इज़ ट्रू, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हम लोग के पुट करेंगे और इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये इक्वेशन आएगा, और इसको आप एलसीएम लेते हैं तो ये आपका के इंटू के प्लस वन, टू के प्लस वन प्लस सिक्स इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक्स आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका इतना टर्म आ जाएगा, यहाँ से पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू हो जाएगा आपका, देन पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल द एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे अगले लेक्चर में हम लोग वेन डायग्राम को देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को बताइए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।